प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 26 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब तू जिन भूल आत्म मेरी पहचान के खसम, वतन दिखाया अपना जिन छोड़े पियू कदम। हे मेरी आत्मा, अब तू धाम धनी को पहचान कर उन्हें मत भूल, उन्होंने तुझे अपना घर परम धाम दिखा दिया है, इसीलिए अब तू उनके चरण मत छोड़। बचन कहे बड़े मूख थे पर तू तो समया न भूल, तू कांत बारीक धनिय का एताते पावेगी मूल। तू अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें की थी, इसीलिए अब तू तो इस समय को मत भूल, तू अपने धनी के प्रेम का बारीक सूत कात ले, निश्चय ही तू इसका मूल्य प्राप्त करेगी। अंजूते पावन कातिया उत चाहिगा शेर भर, जब उठेगी कातन से तब बोहर चाहेगी अवसर। अभी तक तूने पाँव भर भी सूत नहीं काता, जबकि वहाँ तो शेर भर चाहिए। जब तुम इस घर से उठ जाओगी तब उस अवसर को पुनः प्राप्त करना चाहोगी। ए जो गमाए दीनड़े गफलत में जुगल, अब तो को उठने के आए से दीनड़े चल। प्रमाद में पढ़कर तूने ऐसे कितने दिन व्यर्थ किए हैं, अब तो तेरे जागृत होने के दिन आ गए हैं। जो तू उठी काते बिना आए इन अवसर, कहाँ करेगी इन नींद को जो ले चल सी घर। यह अवसर पाकर भी यदि तू सूत काते बिना उठ गई तो इस अज्ञान रूपी नींद का क्या करेगी। परमधाम जाने की पुण्य वेला में क्या तू इसे साथ ले चलेगी। अंजुन जागे जोर कर, जो ऐसी तुझ पर भई, धनी आए बेर दूसरी तेरी सुध ऐसी क्यों गई। तुझ पर इतनी बीत गई फिर भी तू अब तक यत्न पूर्वक नहीं जागी, सतगुरु धनी दूसरी बार तुझे जगाने के लिए आ गए, फिर भी तेरी शुद्धि ऐसी कैसी हो गई। कर सीधा समार तकला कस कर बांध अदवान, दे गांठ माल मरोर के पुनी लगाए के तान। अब तू अपने मन रूपी तकली को संभाल कर सीधा कर, और विश्वास रूपी डोरी को कस कर बांध ले। चरखे की डोरी को पूर्व बल देकर गांठ बांध ले, और श्वास रूपी पुनी लगाकर भजन रूपी तान खींच ले। फिर तू चरखा उतावला करके अंग कुवत, तू लेसी सुहाग धनिय का तेरे बारीक इन सूत। अब अपने शरीर रूपी चरखे को यत्न पूर्वक शीघ्रता के साथ चला। इस प्रकार प्रेम की बारीक सूत कातने से तू अपने धनी का सुहाग प्राप्त करेगी। ए रहसी अदबीच कातना दीन आए समय करे भंग, तुझ देखत सैया चलिया जो होती तेरे संग।
यदि तूने इस अवसर को वैसे ही गवा दिया तो तेरा कातना बीच में ही अधूरा रह जाएगा। तेरे देखते देखते तेरे साथ की सखियां परमधाम चली गई। अब हिम्मत करके कात तू, दिल बांध सूत के साथ, ए मिही सूत सुहाग का, सो होसी तेरे हाथ। अब तू हिम्मत करके सूत कात ले, अपना दिल सूत के साथ बांध ले, तब धाम धनी के सुहाग का महीन सूत तेरे हाथ लगेगा। अब नींद करे जीन तू, ए नींद देवे सुहाग, उठ तू जाग जोर कर, दौड़ ले पीयू सुहाग। अब तू सो मत, यह नींद तेरे दुर्भाग्य का कारण बन जाएगी। तू यत्न पूर्वक जाग कर उठ जा और दौड़ कर धनी का सुहाग प्राप्त कर। ए सुत है अति सोहना, मोल मोहे का होसी एह, तू पहचान पीयू अपना, वार फेर जीव देह। यह सुत अधिक सुंदर है, इसका मूल्य भी अधिक आंका जाएगा। तू अपने धनी को पहचान ले और उन पर स्वयं को समर्पित कर दे। अब ले स्याबासी संयन में, कर तू ऐसी भांत, ए मिहि सूत सुहाग का, सो रात दिन ले कात। अब तू अपनी सखियों में प्रशंसा पा सके ऐसा कुछ कर, अपने सौभाग्य के महीन सूत को रात दिन कात ले। प्रकरण 27 चौपाय 650। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 27 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।